तो जैसा कि मैंने यार आपको बता दिया ठीक है, तो यहाँ वो पब्लिक होगा तो आपको बता दूंगा भैया, इसको हमने यहाँ से कर लेना है। तो ये जब तो ये देखो मैं आपके सामने सेट कर रहा हूँ ठीक है, तो यहाँ से जब रेजर हो जाएगा तो हमने आपकी अगली वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखते हैं, ये देखते हैं मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया फोटो के तरीके से, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ यार ठीक है। तो सिंपली देखो मैंने तो वही कर लिया, इसको मैंने रेजर भी कर लिया। तो अभी देखो उसकी वही बैकग्राउंड में आपको समझ में शायद आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली कहाँ से आएगा, भाई ऑटोमेटिकली नहीं आया, मैंने बैकग्राउंड पहले से ही ओपन किया था क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो गई है। बाद में ऐसा होता है कि बैकग्राउंड घूम जाता है, फिर मैं वाली बैकग्राउंड ढूंढ दूँगा इसलिए देर आप वेट करेंगे तो यार मैं आपका फोन वेस्ट नहीं करना चाहता ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत कीमती है, जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता अपने भाइयों में, जो मैं आपको कहता हूँ कि वक्त की पाबंदी करें ठीक है। तो यार और ये देखते हैं हमारी तस्वीर जो है यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है, एडजस्ट होने के बाद तो हमें जो वापसी में बैठेंगे जो कि थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो ये देखेंगे यानी बिल्कुल भी चोट नहीं लगने देंगे हम, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर रह भी जाए तो यार आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में वीडियो के लिंक में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है ठीक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करें, लाइक करें ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे कंप्लेन भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कंप्लेन कर सकते हैं भाई, जो ये मसला आ रहा है जो आपने किया वो नहीं हो रहा है, तो भाई कि मैं सिंपल सा काम करता हूँ जो कि किसी के लिए मुश्किल ना हो ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इसे अच्छे तरीके से बना लेंगे मुझे पता है, इतना तो आप कर सकते हैं यार। तो दोस्तों यार ये देखेंगे मैं आपको पहले दिखाने वाला हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली करना ये है कि हमें जाना है जो ऑप्शन है प्ले फिल्म के लिए, प्ले फिल्म में सबमिट करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पे वगैरह हमें इसको सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड को ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे मेरा एक शैडो लेना है, मेरा शैडो है तो ये शैडो का प्लेन मेरे पास पड़ा हुआ पहले उसको ठीक है, मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देख रहे हैं लगाना पाँव के नीचे, तो यार ये देख रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी बैकग्राउंड है, मेरी गाड़ी बैकग्राउंड तो मेरा बैकग्राउंड देखता है शैडो नीचे देख रहे हैं ठीक है, और कुछ ऐसा ही बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे देखे बन गए ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर ये शेप नहीं लग रही है, आप जिस तरह से निकालने 20% कोई शेप होगा 80% आपको लॉगिन करने के बाद में रियल ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से बनाया था बिकॉज यार अगर आप टाइम दें, अगर आप किसी भी चीज़ को टाइम दें तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यार मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये कहीं से नहीं सीखा ठीक है, लोग कहते हैं कि यार मैं सोचते नहीं मैं आपको मैं ये मेरा अपना प्रॉपर वर्क है, ये मैंने खुद से सीखा, मैं ऐसे ही संडे लेता था इंस्टॉल कर लिया, मेरे से पहले इंस्टॉल नहीं होता था ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर मेरा इंस्टाग्राम कोई नहीं देखा, मैंने अपने सीखी थी विंडो की विंडो खराब कर दी थी वजह से, लेकिन ऐसा ऐसा लाना चाहता और ये देखो यार मैं आज इसके काम पर पहुँच गया ठीक है। तो मैं वीडियो भी अपने दोस्तों अपने बहन भाइयों को भी सिखा सकता हूँ ठीक है। तो यार ये देखें अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ठीक है, तो यार आप सीखें, और ये जो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कंप्लेन करनी है तो आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं ठीक है। और यार एक चीज़ ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है। तो यार ये देखें हमारा यहाँ पे ना ये देखिए ये जो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा रह गया ये मार्क, ये देखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो अगर चीज है इसको हमें यहाँ से कर लेना रेजर ठीक है। इसको रेजर करने के बाद तो हो गया रेजर यार, मुझे भी सांस चढ़ गया यार वीडियो बनाने के, ये देखो हमने यहाँ से करे ये देखिए हमने फुल डबल लेयर बनाई, और लेयर बनाने के बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को फुल कम कर लिया, तो कम करने के बाद हमने इसे करना नीचे ही लेकर ऊपर कर देना है ये ऐप से। तो अब हमने इसे कैसे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना अपने मॉडल से, देखिए ये
ये देख रही है, मैंने सुबह निकाल दिया थोड़ा सा। तो सिंपली क्या करना है कि हमें पिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पिक पे क्लिक करने के बाद हमें जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर ब्लर ब्लर हाइड्रेशन ब्लर तक ये देख रहे हैं। अब मैंने अपने हिसाब से कितना रखना क्या रख लेता हूँ कि ये मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ, नहीं यार ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा यार, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर इसको भी कर लेता हूँ। ये देखिए यार, मेरी ये आसमान के पास से मेरा कुछ शैडो नहीं है ना, इतना बड़ा तो नहीं है। ये देखिए मैं इसको रिजर्व कर देता हूँ अपने मॉडल के यहाँ, यहाँ से ना गाड़ी के ऊपर ऊपर से जो मेरा मॉडल है इसको मैं यहाँ से रिजर्व कर लूँगा, ठीक है। पिछले हैंड के नीचे और ये पाँव के नीचे यहाँ पे गर्मियों पर थोड़ा थोड़ा सा शैडो रहने देना हमने, बस बाकी जो है सारा हमने इसको रिजर्व कर देना। ये देखो आगे सामने जैसे मैं कर रहा हूँ यार, आप इसे गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह यार बहुत जल्द सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपके भाई ने भी यार ऐसे ही सीखा है, गौर से देखें और मेहनत करें और टाइम दें तो यार सारा कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़े से हमें करते हैं आगे का देखें थोड़े सीखा, तो अब हमने क्या करना है इनको मस्त कर देना है हमें, ठीक है। तो अब मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे हम चले गए यार, ये देखो मैंने इनको कह रहा है फिर मैं कर लिया। ये देखिए हमारा मॉडल जो कैमरा रॉ फिल्टर में ओपन हो चुका है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा क्या करना है, ये देखिए हमें थोड़ा सा ऊपर ब्लू को शेयर करना है, और यहाँ पर हमने जाना है, हमें क्या करना है थोड़ा सा रेड को उठा देते हैं और यहाँ पे वाइट को उठा देते थोड़ा सा, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा रेड को उठा देना है और ये ऑरेंज है इसको हमें थोड़ा सा पीछे करना है यार। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आपके मुँह पर कोई इफेक्ट आ रहा है तो आप और भी कोई क्या बता सकते हैं, और भी लाइन है इसका पीछे करेंगे तो आपके मुँह पर इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये देखते हैं ब्लू को थोड़ा सा उठा लेते हैं, तो ये देखते हैं हमारी तो बैकग्राउंड में अलग लुक आ रही है, क्योंकि ये देखना है ये देखो नहीं हम यहाँ पर यहाँ पर ही रहने देते हैं, क्योंकि लाइट लाइट थोड़ा सा बहुत ही कमाल का लग रहा है और अच्छा लग रहा है, यानी मुझे वो मेरा बहुत फेवरेट है ये कलर स्काई ब्लू ना, ये तो थोड़ा सा नहीं है यहाँ पर रहने देते हैं। तो हमें वाइट करना है, थोड़ा सा वाइट कर देना, वाइट करने के बाद रेड को रेड को भी उठा देना, वाइट को फिर उठा देते थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे और ये थोड़ा सा बैक कर देते हैं और अब हम एफएक्स लगाते हैं, तो यार नहीं ये अच्छा नहीं है, एफएक्स सही नहीं लग रहा है, इसको हम रहने देते हैं। तो हम इसे करना ओके, तो ओके करने के बाद अब सिंपली दोस्तों हमें करना क्या है कि अब हमें जिसको करना है हमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ प्लेस लिंक देंगे, प्लेस लिंक पर जाने के बाद अब हमें यहाँ पे ओपन करना है, हमें यहाँ पे ओपन करना है लाइट। तो ये हमारी कहाँ गई लाइट, लाइट ये रही, इसको हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। लाइट पर क्लिक करने के बाद तो ये देखो हमारी लाइट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो हमने इसे कर दिया स्क्रीन, तो स्क्रीन तो इसको स्क्रीन करने के बाद हमने इसको सिंपली करना क्या है कि देखो हमें इसका एडजस्ट कर देना बहुत ही अच्छे तरीके, ठीक है। तो ये इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं इसको किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये देखो यहाँ पर मेरा ख्याल करता है करने के बाद हमें इसे चेक करना है कि यार हमें जियो पैटी को कम कर लेना है बहुत, ठीक है बहुत, ठीक है। तो इसका करने के बाद हम इसे कर लेंगे ओके, और इनका नहीं कर लेना हमें बंद, मस्त डाउन करने के बाद मस्त डाउन हो गया। तो मस्त डाउन करने के बाद तो ये देखिए यार हमारी फूट भी तैयार हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, अगर तेरा इतनी वीडियो वगैरह तक रहती है कोई भी चीज़ आपको फेक लग रही है प्यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का फेसबुक का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, जाकर फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यार चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के अंदर।